वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज के इस वीडियो में हम रूट के टाइप्स देखने वाले हैं। एज वी हैव सीन इन अवर लास्ट वीडियो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ टिपिकल रूट, नाउ वी हैव टू सी अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट। बेसिकली रूट जो हैं वो दो टाइप के हैं, एक है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम देखने वाले हैं टैप रूट सिस्टम। टैपरूट सिस्टम, ठीक है। नाउ टैपरूट सिस्टम जो है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम रेडिकल। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई सीड है जो जर्मिनेट होता है तो उसमें से सबसे पहले दो चीज़ें बाहर आती हैं, एक है प्लिम्यूल और दूसरा है रेडिकल। ठीक है, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम को बर्थ देता है और प्लिम्यूल जो है वो शूट सिस्टम को बर्थ देता है, ये हमने बात की थी। अब रेडिकल से जो रूट सिस्टम डेवलप होगा, इट ऑलवेज डेवलप एज अ टैप रूट सिस्टम, हमेशा ये टैप रूट सिस्टम के तौर पे ही डेवलप होता है। ठीक है ना, इसके बाद में सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि द मेन रूट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। ठीक है, जो भी मेन रूट रहती है, अब देखो इफ सपोज दिस इज द सॉइल लेवल के नीचे में जो है ये रूट सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, तो जो मेन रूट होती है ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है और इसे प्राइमरी रूट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट। इसके बाद में प्राइमरी रूट शोज सब डिविजन्स कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। ठीक है, इसके जो सब ब्रांचेज होते हैं, प्राइमरी रूट के जो सब ब्रांचेज होते हैं, दीज सब ब्रांचेस आर कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी रूट। इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। ठीक है, फिर व्हाइल सेकेंडरी रूट के जो सब डिवीजन है या उसके सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, सब ब्रांचेस आर कॉल्ड एज टर्शरी रूट। उसे क्या कहा जाता है? टर्शरी रूट। इनके जो सब ब्रांचेस रहेंगे फिर बाद में, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्शरी रूट। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? टर्शरी रूट, एंड सो ऑन। इस तरह से इसका जो है वो आपको एक नेटवर्क फॉर्म होते हुए दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम जो है ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। रूट का क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है रूट का। नाउ रूट का ऑर्गेनाइज सिस्टम इसलिए कहा गया इसे क्योंकि एक मेन रूट है विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट, फिर उसके बाद में बकायदा उसकी सब ब्रांचेस निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट, उनकी सब ब्रांचेस निकलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज टर्शरी रूट, एंड सो ऑन। इस तरह का इसका ब्रांचिंग पैटर्न रहेगा। और जो भी टैप रूट सिस्टम है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायकॉट प्लांट। ठीक है, जो भी डायकोटिलेडोनस प्लांट, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था
तब मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये दो क्लासेस में डिवाइड हुए हैं, एक है डाइकोटिलेडनी प्लांट और दूसरा है मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी प्लांट्स जो हैं जिन्हें हम डाइकॉट्स कहते हैं, जिनमें दो कोटिलेडन होता है, और मोनोकोटिलेडनस प्लांट विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोकॉट, जिनमें सिंगल कोटिलेडन होता है। तो जो डाइकॉट प्लांट है, जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं उनमें कौन सा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम जो है ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रूट सिस्टम है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये हमेशा कहाँ से डेवलप होता है? इट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड। ठीक है, सीड का जो रेडिकल पार्ट है ये वहाँ से डेवलप होता है। आप बोलोगे कि मैडम आप तो बोल रहे हो कि रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल से ही डेवलप होगा, तो फिर दूसरा रूट सिस्टम भी तो रेडिकल से ही डेवलप होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो भी टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू रूट। ठीक है, टैप रूट को क्या कहा जाता है? ट्रू रूट भी कहा जाता है। ट्रू रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअली जो पार्ट जहाँ से रूट डेवलप होना चाहिए वहीं से ये सिस्टम डेवलप होता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल बर्थ प्लेस। ये हमेशा उसी जगह से डेवलप होता है जहाँ से उसे डेवलप होना चाहिए। रूट के लिए जो जगह बनाई गई है, रूट के लिए जो ऑर्गन बनाया गया है रूट डेवलपमेंट के लिए, ये वहीं से डेवलप होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्रू रूट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में जो सेकेंड टाइप है दैट इज एडवांटिशियस रूट सिस्टम। कौन सा है? एडवांटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, नाउ एडवांटिशियस रूट सिस्टम और टैप रूट सिस्टम में क्या फर्क है? एडवांटिशियस रूट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम या फिर फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो है उसे फाइब्रस रूट भी कहा जाता है। फाइब्रस रूट मतलब धागे का गुच्छा जैसा होता है, धागे के गुच्छे की तरह ये नज़र आता है। ठीक है, देन सबसे पहला पॉइंट इसमें, इट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट अदर देन रेडिकल। मतलब फ्रॉम एनी पार्ट, किसी भी पार्ट से वो डेवलप होगा लेकिन रेडिकल से नहीं। ये वो रूट सिस्टम है जो रेडिकल पार्ट से डेवलप नहीं होता, प्लांट के किसी भी हिस्से से डेवलप हो जाएगा। वो नोड से डेवलप हो जाएगा, लीफ के पास से डेवलप हो जाएगा, स्टेम के पास से कहीं से भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये रेडिकल से डेवलप नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये ट्रू रूट नहीं है, क्योंकि रूट डेवलप होने के लिए सीड में जो है जो ऑर्गन दिया गया है वो है रेडिकल, लेकिन एडवेंटिशियस रूट सिस्टम रेडिकल को छोड़कर बाकी कहीं से भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या है? इट इज़ द रूट सिस्टम विच नेवर डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, बट इट कैन डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, देन इसके बाद में जो भी रेडिकल है, ठीक है, ये जो भी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है, ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी रूट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर बंच ऑफ रूट्स ऑफ इक्वल साइज आर डेवलप्ड। बंच ऑफ रूट्स ऑफ इक्वल साइज आर डेवलप। ठीक है, जो भी इफ सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये डेवलप हो जाएगा, लेकिन आपको सारे रूट्स जो हैं इनका मैक्सिमम जो है वो एक साइज एक जैसा इनका साइज जो है वो नज़र आएगा। सो दिस इज़ द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसमें कहीं पर भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी रूट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ये एक बिल्कुल दिखाई दे रहा है रूट्स के गुच्छे की तरह या धागे की गुच्छे की तरह, और इसीलिए इसे फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको कोई भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट की ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, टर्शरी रूट है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऑल द रूट्स आर ग्रोन एडवेंटिशियसली। एक्चुअली एडवेंटिशियस ये शब्द का मतलब होता है सडनली,
कभी भी कहीं से भी अचानक कहीं से भी कभी भी ये जो रूट सिस्टम है वो ग्रो हो जाती है। जनरली एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि मनी प्लांट होता है, ठीक है, पोथस कहते हैं उसे। जो मनी प्लांट जो है, ये मनी प्लांट में आप देखो कि जहाँ पे लीव्स डेवलप होते हैं तो एक्चुअली इट इज़ अ क्लाइंबर, ठीक है, वो एक वेल है। तो वो जिस भी सपोर्ट पे ग्रो होती है तो आप देखो थोड़े थोड़े दूरी पे जो है वो हुक जैसे रूट्स तैयार होने लगते हैं। तो वो कौन से रूट्स हैं? वो एडवेंटिशियस रूट हैं, वो रेडिकल पार्ट से डेवलप नहीं हुए। वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? वो नोडल रीजन से डेवलप हो रहे हैं, जहाँ से लीफ डेवलप हो रही है, लीफ के पास से ये डेवलप होते हैं, ताकि जो भी सपोर्ट है उसे वो पकड़, उसकी एक पकड़ बना सके और उस सपोर्ट के सहारे जो है वो जो भी वेल है, जो भी क्लाइंबर है, वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, जो कभी भी कहीं से भी डेवलप हो सकती है रेडिकल को छोड़कर, ठीक है। देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। जो भी मोनोकॉटिलेडनस प्लांट होते हैं, आप देखो डायकॉट के एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। डायकॉट के एग्जांपल है मैंगो, ऑरेंज, बीन, पीस, ये सभी जो हैं ये कौन से हैं? डायकॉटिलेडनस प्लांट है। रोज प्लांट बोलो, जितने मतलब जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा, वो सभी जो हैं वो डायकॉट प्लांट है। अब ये वेनेशन क्या है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन सीड्स में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, या आप सीधे सीधे जिन सीड्स को आप दो हिस्सों, बराबर दो हिस्सों में आसानी से डिवाइड कर सकते हो, जैसे मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का जो दाना होता है उसको आप, उसका छिलका निकालोगे, इट विल इमीडिएटली गेट स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट, दो सेम हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगा, वो क्या है? वो डायकॉट है। वहीं आप मेज़, भुट्टा जो होता है उसका, अगर आप ग्रेन लोगे, उसका दाना लोगे और उसे बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है? मोनोकॉट है। गेहूं, चावल, ये जो है ये सभी मोनोकॉट हैं। तो जो भी मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है उनमें कौन सा रूट सिस्टम होता है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, मतलब ये पहचान है डायकॉट और मोनोकॉट की। डायकॉट अगर प्लांट है तो उसमें आपको कौन सा सिस्टम दिखाई देगा? टैप रूट सिस्टम। और अगर वो मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें कौन सा सिस्टम दिखाई देगा? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए यहां पे कहा है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। जो भी मोनोकॉट है उन सभी में आपको क्या दिखाई देगा? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दिखाई देगा। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है मोनोकॉट, उसमें मोनोकॉट के एग्जाम्पल है मेज, शुगर केन, ज्वार, बहुत सारे वीट, राइस, ये सभी जो हैं ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से जो है रूट के जो टाइप्स हैं, ये दो मेन टाइप हैं रूट के, एक है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम इज अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम और इसकी सबसे खास बात यह है कि इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम रेडिकल एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू रूट सिस्टम। वाइल द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस मीन्स सडनली फ्रॉम एनी वेयर अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर किसी भी पार्ट से डेवलप होने वाला जो रूट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। और डायकॉट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आइडेंटिफाइंग फीचर है, वो है टैप रूट सिस्टम, और वहीं मोनोकॉट का आइडेंटिफाइंग फीचर है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से रूट सिस्टम के दो टाइप हैं, वन इज टैप रूट एंड अनादर वन इज एडवेंटिशियस रूट। इनके अदर नेम, दूसरे नेम क्या है? टैप रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू रूट, वाइल एडवेंटिशियस रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइबरस रूट। वाई? बिकॉज इट लुक लाइक फाइबर, बंच ऑफ फाइबर, ठीक है, इसीलिए उसे फाइबरस रूट कहा जाता है। तो इस तरह से ये है टाइप ऑफ रूट। अगले जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने रूट्स में मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारणों के लिए, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए वो अपने रूट्स में बदलाव करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ जो है
वो और ज़्यादा वो कंफर्टेबली जो है वो स्पेंड कर सकें और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमन बीइंग को, प्लांट को तो होता ही है, ह्यूमन बीइंग को भी होता है। तो वो हम देखने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, दोनों ही टाइप में हम मॉडिफिकेशन देखेंगे, टैप रूट में भी देखना है हमें, एडवेंटिशियस रूट में भी देखना है, तो वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।